आपको बताऊंगी आज की वीडियो में कि ये शीलाबाई और रंटा कोर्ट क्यों गए थे। देखिए पूरी वीडियो, आपको अच्छी लगेगी। हेलो, गुड इवनिंग ही कहूँगी और बाद में कहूँगी गुड नाइट, क्योंकि रात का टाइम है, कल है संडे और संडे को सुबह को वीडियो नहीं बना पाऊँगी मैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि संडे को बहुत काम हो जाता है और अगर वीडियो नहीं डालूँगी तो दो दिन हो जाएंगे, इतना गैप सही नहीं रहता है ना। तो मैंने सोचा कि मैं ना वीडियो बना के रख देती हूँ, एडिटिंग सुबह काम भी करती रहूँगी, एडिटिंग भी करती रहूँगी। तो हाँ, आपने एक बात देखी, मुझे बड़ा दुख हुआ एक चीज़ देख कर, शीला भाई की बड़ा अंदर से दुख हुआ मुझे, रियली आपको बताऊँ, इसने कितनी बड़ी, आप शायद नहीं समझ पाते इसे, मैं इसे अच्छे से समझती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं इसे अच्छे से क्यों समझती हूँ मैं आपको बताऊँ, इसने पता क्या करा है, बड़े बेटे से ये नाराज़ है, नाराज़ क्या, इसकी इस टाइम खुशी खुशी नहीं लेके गई है, इसलिए नहीं लेके गई कि कुछ लोगों को, हम जैसे लोगों को छोटे बेटे की बर्थडे याद है, बड़े की भी याद है और इसे भी याद है, लोग फिर कहते हैं कि बर्थडे ही मनाई। इसने कितनी बड़ी बात कही है, दुआएं जब दी हैं कि हमेशा गुलाम रहो और गुलाम बनकर हमारी सेवा, दुआ, ये दुआ है या बद्दुआ है शीला भाई बता, ये दुआ है या बद्दुआ है, ये तूने क्यों कही है? हमेशा क्या निकलता है माँ बाप के मुँह से बच्चे के लिए, हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हारे तुम्हें सारी खुशियाँ दें। इसने यहाँ बच्चों के लिए नहीं कहा, यहाँ भी इसने अपने लिए कहा है, क्योंकि ये अपने लिए ही जीती है, इसने यहाँ भी अपने लिए कहा है, ये कह रही है मैंने दुआ दी है, यहाँ भी अपने लिए कि हमेशा हमारे गुलाम रहो और हमारी सेवा करो। बहुत बुरा लगा मुझे, मैं आपको बताऊँ मुझे बहुत बुरा लगा, बेटा उसका है, देखो हम पे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन एक इंसानियत के नाते पता नहीं कि मुझे उस लड़के पे तरस आया, उसके बड़े बेटे पे कल तरस आया। और क्या कह रही है, दिल के टुकड़े हैं ना, बाद में इसने क्या कहा, एकदम बहुत तेज़ औरत है ये, बहुत तेज़ औरत है, आप इसे शायद समझ नहीं पाएंगे, हम ही समझे हैं। इसने बाद में क्या कहा है, दिल के टुकड़े हैं ना, तो करना तो पड़ता ही है, पड़ता ही है, यानी कि मजबूरी है, इसके लिए करने के लिए मजबूरी है, करना तो पड़ता ही है। और ले गई, कुछ नहीं दिलाया, केवल ये तुझे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा, वो बहुत अच्छा रहा, उसका मूड ऑफ था, बड़ा हो गया है बच्चा समझने लगता है, उसका मूड ऑफ था, उसने कुछ नहीं लिया, मैं आपको बताऊँ ना, इसने कुछ दिलाया है उसे, इसने ना उसे कुछ दिलाया है ना ही उसने कुछ लिया है, जो ये दिला रही थी उसने मना कर दिया। अरे उसका फ़ोन खो गया, ठीक है, तो कह देती एडवांस में दिला रही हूँ, ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है, सबसे कह देती भाई इसका फ़ोन खो गया है, मुझे बर्थडे पे तो इसे कुछ देना ही था, तो ऐसा है मैं इसे बर्थडे से पहले ही एडवांस में दिला देती हूँ, ये इसका फ़ोन है, बच्चा भी खुश हो जाता, तेरा बर्थडे गिफ्ट भी हो जाता, क्यों छोटे को तो तूने आईफोन लेके दे रखा है, शर्म नहीं आती तुझे? लोग फिर ये कहेंगे कि बच्चों में ये फ़र्क नहीं समझती, क्यों नहीं समझती भाई, मुझे एक बात का जवाब देना, कौन सी माँ ये कहेगी अपने बच्चे से हमेशा हमारे गुलाम रहो, जो दुआ दुआओं में ये शब्द कौन सी माँ या बाप कहेगा कि हमेशा हमारे गुलाम रहो और हमारे गुलाम बनकर हमारी सेवा करते, मुझे एक बात का जवाब देगा इस बात का, कौन सी माँ ऐसी कहेगी अपने बच्चों को अगर वो दुआ देगी। मैं भी माँ हूँ, बहुत माएँ हैं जो देखती होंगी इसकी वीडियो, बताइए तो एडवांस में गिफ्ट दे देती कि तेरा एडवांस गिफ्ट है भाई, मुझे बर्थडे का गिफ्ट देना था तो मैं बर्थडे का गिफ्ट एडवांस में दे रही हूँ, एक हाथ जोड़ी कपड़े दिला देती, वो भी खुश हो जाता, उसके भी चार पैसे बच जाते, जो वो कमाता है, उसने मोबाइल लिया होगा, जो भी कुछ लिया होगा, उसका मूड ऑफ था, आप देख नहीं रहे उस लड़के के चेहरे पे हंसी नहीं थी, उस लड़के के चेहरे पे खुशी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, है ना, मजबूरी, तुमने कहा ना कि करना तो पड़ता है, वो मजबूरी थी जो तेरे चेहरे से झलक रही थी, खुशी नहीं थी, एक होता है अरे करना तो पड़ेगा, हमारे बच्चे की बर्थडे है, हमें खुशी है, भगवान इसे बहुत जरूर ऐसे अगले साल हंसी खुशी आई, कहते हैं ना माँ बाप यही कहते हैं ना, तो वो खुशी नहीं थी तेरे चेहरे पर, वो तेरे चेहरे पर मजबूरी थी, अब उस लड़के बच्चे के चेहरे पर भी दिख रहा था, समझा। और क्या कह रहे हैं, ये छिचोरी नज़र मेरी छिचोरी नज़र ना इन कपड़ों पर पड़ी जाती है, हाँ तेरी नज़र बहुत छिचोरी है वाकई में, अगर तेरी नज़र छिचोरी ना होती ना तो तू बसे बसाए घरों में ना घुसती लोगों के, जैसे तू दो दो के घरों में घुसी, पहला तो वो अली का बाप जो था उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया, किसके चक्कर में तुझे सब पता है, सत्तानी भी शादीशुदा था और ये रंटाक भी शादीशुदा था, तो तेरी नज़र अगर छिचोरी ना होती तो तू दूसरों के घरों में ना बसे बसाए घरों में नहीं घुसती। और फिर मैं दोबारा कहूँगी कि बड़े लड़के के चेहरे पे ये भले ही शॉपिंग कराने गई कुछ कराने गई, उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी, उसने कुछ लिया भी नहीं, देख लो कुछ नहीं लिया, ये अपने लिए लेके आ गई एक ड्रेस बस 20% डिस्काउंट पे, अपने लिए ड्रेस लेके आ गई, उसके लड़के ने कुछ नहीं लिया, 20-25 हज़ार का मोबाइल आता दिला देती, तेरे पास तो कमी नहीं है जैसा कि तू कहती है ना, लेकिन तूने उसे इतनी गालियाँ दी हैं बहुत, मैं बता रही हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा इसका, छोटे और बड़े के बीच में फ़र्क,
और मेकअप देखा आपने, कितना मेकअप था जब ये लड़के को शॉपिंग कराने गई थी, कराई कुछ नहीं लेकिन एक टेबल कह के गई थी, सफ़ेद चेहरा बिल्कुल मेकअप अलग से नजर आ रहा था। और क्या कहती है, सिंगल मदर, हंसी आती है मुझे। फिर मैं दोबारा कहूँगी, दोबारा कहूँगी, दोबारा कहूँगी, तीन तीन शादी करने के बाद सिंगल मदर। और कितने दिन से सिंगल मदर दिखा रही है, तो अपने को दो महीने से रेंट आ गया है जब से। क्या सिंगल मदर, ऐसी सिंगल मदर होती है, ऐसी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है ना अपने बच्चों के ऊपर, उन्हें सिंगल मदर कहते हैं। जो पूरी जवानी अपने बच्चों के ऊपर कुर्बान कर देती है ना, उसे सिंगल मदर कहते हैं, समझे। तो जैसी औरत को सिंगल मदर नहीं कहते, तो किधर से सिंगल मदर लगती है। छोटे और बड़े में फ़र्क नज़र नहीं आता, चेहरे से, पहने ओढ़ने से, पर्सनालिटी से। जमीन जब केक काट रहे हैं आप, देखिए दोनों में कितना नज़र फ़र्क नज़र आ रहा है, हर चीज़ में आ रहा है ना, है। शीला भाई बोलती है कि मेरे नाम में बरकत है, अगर मेरे लिए कोई वीडियो बनाता है तो मेरे नाम में बरकत है, उसकी चल पड़ती है। अब तुझे एक बात बताऊं, तेरे 1.24 1,24,000 तेरे सब्सक्राइबर थे, चलते चले आ रहे थे काफ़ी टाइम से, हम देख रहे थे बढ़ नहीं रहे थे, जहाँ तेरे ऊपर रिएक्शन देना शुरू करा सब लोगों ने, तेरे 1.25 हो गए हैं, यानी कि 1,25,000, हाँ 1,25,000 हो गए, एक बढ़ गए ना, बढ़े 24 से 25 हुए, तो बता बरकत किसके नाम में है, तेरे या वो जो तेरी रिएक्शन वीडियो बनाते हैं उनमें। नहीं तो वहीं की वहीं रुक गई थी, तो कह रही ना वीडियो बनानी छोड़ दी थी, तूने क्या छोड़ी थी, लोगों ने तुझे देखना बंद कर दिया था, हम लोगों ने किसी ने भी और जो भी देते हैं सब रिएक्शन देना तेरे ऊपर बंद कर दिया था, इसलिए तो 24 पे रुकी हुई थी, 25 हो गए हैं, तो बरकत किसके नाम में है तू ये देख, समझे, बकवास कम कर अपनी। और देखिए इस घर में अब इतना घुस रही है, ये इतना घुस रही है, इतना घुस रही है, आप, मैं आपको बताती हूँ 6 महीने बाद देख लेना, 6-7 महीने बाद देख लेना, इस घर में भी देख लेना, ये दिखाई भी नहीं देंगे। और कह रही है मेरे दिल में दाग छोड़ गए हैं, मेरे ऊपर दाग छोड़ गए हैं, मेरे ऊपर दाग लग गए हैं। अरे दाग चेहरे पे तो दाग बाद में आए हैं, पहले तेरे दिल में दाग आ गए हैं, तेरी ज़िंदगी में दाग आ गए हैं, तेरी लाइफ में दाग आ गए हैं। और जब सब ये सब दाग आए हैं ना, तो चेहरे पे तो नेचुरली दाग आ जाते हैं, जो इंसान जैसा करता है ना वैसा आ जाता है। जी हाँ, नकली बालों को सहलाती रहती है, हेयर एक्सटेंशन है उन्हें सहलाती रहती है, देखती रहती है कि वो उतर तो नहीं गए, गई ज़्यादा ज़ोर से पकड़ के मत सहला लेना, हाथ में आ जाएंगे उतर के, समझ गई। जी बड़ा झूठ बोलती है ये, कि मैं झूठ नहीं बोलती, ये जो कहती है ना सुशीला भाई कि मैं झूठ नहीं बोलती, यही सबसे बड़ा झूठ है, बस आप इसमें आप समझ लीजिए। और कह रही ना ये हमारे साथ मजा ये करा, मजा चखाया, उन्हें भी अल्लाह आज बद्दुआएं दे रही थी, आज इसका दिल अंदर से दुखी था। मैं बताती हूँ क्यों दुखी था, पूरी वीडियो देखना, मैं बताती हूँ क्यों दुखी था। इसने कहा ना मजा चखाया, तुझे मजा यूँ ही नहीं चखाया, खलल तेरी ना, तेरी उलझने पैदा कर दी हैं, हमारी ज़िंदगी में खलल डाल दिया है, बच्चों की ज़िंदगी में खलल डाल दिया, ये यूँ ही नहीं डाला, ये तुझे मजा चखाया है। जो तू औरों को भर भर के बोलती थी ना, खूब उल्टा सीधा बोलती थी, उनके बच्चों को भी बोलती थी, सबको बोलती थी, बॉस का 15 लाख लिया, ऊपर से उसे उल्टा सीधा बोला, गंदा संदा बोला उसके लिए। उसके अलावा बॉस ने तो मुँह से जवाब दे दिया, लेकिन हर कोई मुँह से जवाब नहीं देता, कोई कलम से भी जवाब देता है। और फिर सना इमरान ने तुझे कलम से जवाब दिया, और ऐसा दिया कि तू चीख निकल गई तेरी, ऐसा जवाब दिया है ना। जी तो ये तुझे तेरे तेरे कर्मों की सजा मिली है, मैं बता रही हूँ तेरे कर्मों की, ये कर्मा तेरे अब जो तेरे आगे आ रहा है इतना कुछ इस उम्र में, ये कर्मा ही तो है। तू औरों को कहती है कि कर्मा लौट कर आएगा, नहीं, तेरा कर्म लौट के, ये कर्मा लौट के आया है, यही तो उम्र होती है। अब तेरी आगे क्या उम्र है कि अब तू कर्मा देखेगी, ये तेरा कर्मा है जो तूने अभी तक किया ना, लोगों के घर बिगाड़े, लोगों की हाय ली दिल की, एक ने सुसाइड करा है ना, वो यही सब कर्मा है जो तेरे आगे आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि आज के पथे उपले आज ही नहीं जला देते, गोबर के जो कंडे होते हैं ना जलाते हैं, तो वो हाथों हाथ गोबर रख के हाथों हाथ थोड़ी जल जाएंगे, पहले वो सूखेंगे, सूखने के बाद जलते हैं, जब टाइम लगता है। तो अब कहते हैं ना जिस जो फसल बोई है वही काटेंगे, तो तेरा ये फसल अब काटने का टाइम है, तू फसल काट रही है, जो बोते हैं वही काटते हैं। जी हाँ हाँ, अब मैं बताती हूँ आपको कि रंटाक मुंबई आया था, अब जो ये दुखी थी ना लाइफ में, क्यों दुखी थी, रंटाक आया था केस पे, और ये भी आया था, दोनों का केस चल रहा है। और केस कौन सा चल रहा है मैं आपको बताऊँगी, पूरी वीडियो देखो, है ना, पूरी वीडियो बताती हूँ मैं वीडियो में तुम्हें कि केस कौन सा इन दोनों का चल रहा है। तो आज ये रंटाक ने इसे देखा होगा, इसने रंटाक को देखा, पहले भी जब झगड़ा हुआ था 13-14 महीने लग रही थी, अब भी ये केस पे गई थी, तो इसने एक दूसरे को देखा,
तो ये रंग मिल गए थे फिर, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ जी। जो केस इस पे लगा रणटाक ने, वो दोबारा गलती नहीं करी। फिर सना इमरान ने इसके लड़के के ऊपर लगाया, तो वो इतना डर गया, उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि अब दोबारा एक केस और लग जाए मेरे साथ अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो। ये डीलिंग हुई होगी सना इमरान के साथ रणटाक की, मानो या मत मानो, कि तू अगर इसका साथ देगा तो तेरे ऊपर भी हम तुझे भी फंसाएंगे लड़के के साथ साथ। ये डीलिंग हुई है सना इमरान ने, कि बात करी होगी इसने कि भाई मैं नहीं रहूँगा, मेरे मुझे छोड़ो। तो एक ही केस पहले देखो शीला भाई के साथ रणटाक था, तो केस उस पर लगा, ठीक है। अब लड़के पर लगा, इसकी वजह से ही लगा रणटाक पे भी। और इस अब जो लड़के पे लगा, मैंने तुम्हें वीडियो में अपने पहले बताया है कि इसकी वजह से लगा है लड़के पे भी जी हाँ। तो वो उस केस की तारीख थी कल जी, उस केस पे वो रणटाक मुंबई आया था, माहिम माहिम में लगा है केस। क्यों लगा है वो मैं बताऊंगी आपको। देखो एक बात बताऊँ मैं, जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू कर लिया उससे कोई नहीं जीत सकता। वो इंसान सबको जीत लेता है, उससे कोई नहीं जीत सकता। शीला भाई तुझे अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं है, तुझे ये कपड़ा पहनना है, तुझे ये करना है, तुझे ये फैशन करना है, तुझे वो करना है, तुझे ये करना है, सब इच्छाओं पे काबू तुझे नहीं है। जिसने अपनी इंद्रियों पे वश कर लिया, इंद्रियों पे वश करना कहते हैं ना, वो दुनिया जीत जाता है जी हाँ। और देख मैं कह रही हूँ ना, एक कोई मत कह कि वो बुरा वो बुरा, उसने मेरे साथ करा, इसने मेरे साथ करा, उसने ऐसे करा। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से थप्पड़ लगता है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तूने उसके साथ बतेरा किया, उसे मार कर निकाला तेरे लड़के ने रणटाक को, पहले जब वो घर से आ गया था, घर नहीं गया, 3 साल तेरे साथ ही रहा था। अब वो घर में जाता है, उसके बच्चे हैं, अब वो ऐसा नहीं करेगा, समझे। वो गलती नहीं करेगा, इंसान वही होता है जो एक ही गलती से सीख जाता है। सब तेरे ऐसे थोड़ी होते हैं कि गलतियों से भी नहीं सीखते, इंसान गलती से सीखता है, तो गलतियों से भी नहीं सीखी जी हाँ। अब उसने दूसरी गलती नहीं करी कि वो तुझे, वो फिर तेरा लड़का उसे मार के निकालता। कोई भी आदमी औरत की गालियाँ नहीं सुनेगा, तू गालियाँ देती है गंदी गंदी, इतनी बुरा बुरा बोलती है जी हाँ, कोई रुक जाएगा, क्यों नहीं बनती तेरे साथ किसी की शादी, तो होने दे बच्चों की शादी कर, बाद में बात करना जी हाँ। और मतलब आज का फेस नहीं देखा आपने, कितना उतरा हुआ फेस है इसका, कितना अलग ही पता चल रहा है फेस का। तेरे पापा को जब ख़त्म हुए तो तू 3 साल का ही था ना, ऐसे कह रही थी ना लाइव में, कितनी बड़ी छोटी है वो 3 साल का। तेरे पापा जब की डेथ हुई थी तो वो डेथ नहीं हुई थी, जब ये 3 साल का था तो वो छोड़ के चला गया था तुझे। डेथ तो अभी उसकी 4 साल पहले हुई है उनकी, मैं फ़ोटो डालती हूँ कि अर्जुन जो कह रही ना, इसने जो कहा कि तुम्हारे पापा मतलब मेरे से ही शादी हुई थी सत्तानी की, पहली बीवी के बारे में नहीं बताती, दिखाती हूँ पहली बीवी और उनकी लड़कियाँ, उनके 2 लड़कियाँ थीं सत्तानी साहब के, और इससे उसके उनके 1 लड़का हुआ था ये गुरु, बस बड़े वाले का 2रा है बाप। तो जब इसे छोड़ के गए थे वो, तो वो ये 3-4 साल का था, मरे हुए तो उन्हें भी 4 साल हुए हैं, अपने घर में चले गए थे वो। इससे सत्तानी साहब से भी इसका निकाह नहीं हुआ था, निकाह तो इसका रणटाक से हुआ है, पहले वाले से शादी हिंदू था वो, है ना। और इससे इनसे 57 साल से निकाह नहीं हुआ था, निकाह हुआ है रट्टा से, ऐसी रह रही थी कि लड़का हुआ है। तो ये जब 4-5 साल का था जब भी वो छोड़ के चले गए थे, डेथ तो उनकी 4 साल पहले हुई है, 4-5 साल पहले। झूठ बोलती है, पक्के झूठ बोलती है, मैं फ़ोटो लगाती हूँ उनकी वाइफ के साथ भी और इनके साथ भी। उनकी वाइफ का नाम था गुलशन जी, समझे। उनके 2 बेटियाँ हैं अब भी, उन्होंने साफ कह दिया हमारे बारे में कोई जिक्र मत किया करो, हम कोई अपना जिक्र नहीं चाहते, हम कोई भी चर्चा नहीं चाहते हैं। साफ किससे कह दिया था, कटैली से, उसने सब खोल के रखी थी, उसने सब बताया था जी हाँ। कितना मतलब कितनी झूठी है ये, कितनी झूठी है, बस मैं क्या बोलूँ। दिल दुखी है आज शीला भाई का, तो ये आज लोगों को बदुआएँ दे रही है। देखो ये रणटाक की फैमिली में घुसी है, उसकी बार बार जिक्र करती है रणटाक की फैमिली का, क्योंकि इसने सोशल मीडिया पे दिखाया है। सत्तानी की फैमिली का कभी जिक्र नहीं करती, सत्तानी की फैमिली के बारे में भी तो बता, इस छोटे गोलू के परिवार के बारे में भी तो बता, इस गोलू के ददिहाल कहाँ हैं, बुआ कहाँ रहती हैं, इसकी दादी का घर किधर है, बता ना, इसके बारे में तो नहीं बताती। अरे बहुत खुल खुल के बोली हूँ मैं अपनी पुरानी वीडियो में, क्या बन के रही है तू सत्तानी की, अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगी वो बात। और क्या कहती है, मेरा वक्त मेरा वक्त मेरा वक्त मेरा वक्त चल रहा है, बुरा टाइम चल रहा है, अच्छा भी आएगा, अब क्या आएगा, अब नहीं आएगा कुछ भी, जो आना था आ चुका, तुम्हारा टाइम आउट हो गया है मैडम, अब बच्चों का टाइम है, बच्चों की तरफ देख, अब टाइम जो है बच्चों को आना चाहिए। क्या कहती है, इज्जत चाहिए, बोलती है इज्जत चाहिए आप,
किसी को इज्जत दोगी जभी तो आपको इज्जत मिलेगी। गिव एंड टेक का मामला होता है, आप किसी को इज्जत दोगी जभी आपको इज्जत मिलेगी। मैडम जी, सामने वाले की इज्जत करोगी आपको इज्जत मिलेगी। जी हाँ, ये हर एक हर चीज़ को कहने की, इसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकती है ये औरतों को, क्या आदमी को क्या। और कमेंट बॉक्स बंद करने की वो नहीं रखती हूँ, मेरा कमेंट बॉक्स खुला रहता है। लोग तो कमेंट बॉक्स बंद रखते हैं क्योंकि उन्हें गलत सुनने की हिम्मत नहीं है। ये बात किसे कह रही है बताऊँ मैं? ये बात कह रही है रेहाना बॉस को और मरियम को, उनके कमेंट बॉक्स हमेशा ऑफ रहते हैं, है ना। खास ही लोग कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता उन्हें कमेंट, तो उन्हें ताना मार रही है। नाम लेके तो मार नहीं सकती क्योंकि नाम लेके करी है तो फंसी पड़ी है पूरी तरह, नाम ही लेके तो बोली थी तो फंसी पड़ी है। जी हाँ, रेहाना बोस ने भी केस करा था, मैं आपको बता रही हूँ। केस तो इसमें ये बहुत परेशान हो गई थी, केस रेहाना बोस ने भी करा, लेकिन रेहाना बोस के यहाँ जाके माँ बेटे दोनों माफ़ी मांग रहे। और रेहाना बोस ने एक बात कही कि मैंने उस लड़के का मुँह देख के से माफ़ कर दिया। इसने कहा कि मैं तुम्हारे 15 लाख रुपये बाकायदा बाइज्जत दूंगी, लेकिन वो भी ये मुकर गई, उन्होंने केस वापस ले लिया और ये पैसों से मुकर गई, नहीं दिए। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी 15 लाख पर, रेहाना बोस भी बोलती थी। तो ये जो बात इसने ताना मारा है ना रेहाना बोस और मरियम पर मारा है, मैं बता, हिम्मत है तो नाम लेके बोलना उन लोगों का, नहीं बोल सकती। जी हाँ, 2 महीने से सिंगल मदर हुई है, सिंगल मदर और कह रही है अब मैं आदत डालूंगी अकेले जाके काम करने की, अकेले जाके सब कुछ करने की आदत सोच रही हूँ डालूँ, हिम्मत नहीं होती। अरे तू तो ये कह रही थी अभी वीडियो में कि तेरा बाप 3 साल का था तो तू डेथ हो गई थी उनकी, तो 3 साल के बाद जब ये जवान हो गया है तेरा गोलू और ये बड़ा वाला, तभी तो तूने रनटाक से करी है। तो उसके बीच में कौन आया था भाई जो तेरे काम करता था? तूने ही अकेले करे, तो कह रही मैं बिजनेस करती थी तो वो सब तूने अकेले ही तो करा, बच्चे छोटे थे तुम, अब क्या परेशानी है तुझे? तो तू अब बुढ़ापे में कहती है कि मुझसे अकेले नहीं जाया जाता, बुढ़ापा आ गया, ये भी हो सकता है। जी हाँ, अब अकेले करने में अब तो और भी कॉन्फिडेंस होता आ जाता है, अब तो सोचता इंसान गलत निगाह से नहीं देखा, कोई नहीं करेगा, कोई भी देखेगा इज्जत की निगाह से देखेगा, उम्र के लिहाज से, है ना। लेकिन तुझे अब क्या प्रॉब्लम है? तू तो दुनिया में घूमती है कि अकेले जाने की मैं सोचूंगी कि मैं अकेले काम करूँ? भाई तूने अपनी ही अभी लाइफ में कहा है कि तेरे पापा का जब डेथ हुई थी तेरे डैडी की तो तू 3 साल का था ना, तो वो 3 साल का अरसा कितना बड़ा हो गया कि तूने जवान बच्चे हुए हैं उसके बाद रनटाक से करी है। तो 14 महीने जब रही है, 3-4 महीने अब रही है, हद से तो 2 साल पूरे रही नहीं है रनटाक के साथ, तो उस बीच का अरसा कैसा गया तेरा? अकेले ही तो गया होगा। आज पूरी लाइफ में इसके चेहरे पे हंसी नहीं थी बिल्कुल भी, नहीं कैसे हंसती है, मुँह पे हाथ रख रख के दांत पीड़ रहे हैं ना साइड के, कैसे मुँह पे हाथ रख रख के हंसती है, आज पूरी लाइफ में हंसी नहीं थी। जी हाँ, मैं बताती हूँ केस क्या लगा था। केस लगा था कि गाड़ी पार, गाड़ी का ही कोई चक्कर था माहिम में, वहाँ भी कहती है ये फालतू में लगा, माहिम में गाड़ी पार्क करी थी इन्होंने, कुछ गलत जगह करी थी, सही जगह करी थी पता नहीं, वो केस इनके ऊपर लगा था। और ये दोनों उसी केस की तारीख पे आज ये गए थे। लोग समझ रहे हैं कि डिवोर्स का डाल दिया या ऐसा डाल दिया या वैसा डाल दिया, जी हाँ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन रनटाक ने आज इसे वहाँ पे कोई भाव नहीं दिया, पिछली बार ये रोई थी तो उसे तरस आ गया था तो कह रहा था, तो ये दोनों फ़ोन कर रहा था तो दोनों ये जाके वहाँ पे दरगाह पे अजमेर में मिल गए थे। जी हाँ, दुखी है शीला भाई पूरी लाइफ में, चेहरा नहीं देखा आपने, दुखी है, उसने भाव नहीं दिया कोई भी। और देखिए पहला एक्सपीरियंस केस लगा हुआ, अगर ये इसके साथ रहता तो जैसे इसके गोलू पे केस लगाए ना उन्होंने, फिर इसके ऊपर केस लगाए रनटाक पे भी वो केस लगा देते। लेकिन उसने गुस्सा फट गया, इतनी भागी फिरी, इधर भागी वहाँ भागी, सूरत गई, सूरत वालों ने भी नहीं रखा, फिर इधर भागी उधर भागी, किसी ने नहीं रखा, होटलों में रुकी, इधर उधर भागी, नहीं तो ये हाथों हाथ बंद हो जाती। फिर बाद में ये हाजिर होके इसने जमानत ली है, जो भी कुछ करा है तब ये केस चल रहे हैं। तो रनटाक ने फंसा, इस बार पहले फंस गया था इसके, मैंने बता दिया आपको कि सत्तानी साहब के 2 बेटियां थी, वाइफ का नाम गुलशन था, और ये झूठ बोलती है। मैं फिर कहती हूँ कि अगर तू इतनी सच है तो इसके गोलू के परिवार वालों के बारे में भी बताना, उसके ददिहाल के बारे में भी बताना, नहीं बताएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। इस बार तो मैं रात में मिली हूँ लेकिन वीडियो दिन में आएगी, कल सुबह आ जाएगी, तो ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके बाय।